पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार प्रगतिशील है। इसी को लेकर आगामी 10 से 12 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट अपने उद्देश्य में सफल साबित हो सके, इसको लेकर जनपद मुरादाबाद मंडल के उद्यमियों ने 4000 करोड़ निवेश के प्रस्ताव में सहमति उद्योग विभाग को दे दी है। उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शासन से प्राप्त 9,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट टारगेट का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसे वो समय से बहुत पहले ही पूरा कर लेंगे। जनपद में छोटे उद्यमी मेटल और हैंडीक्राफ्ट में अधिक निवेश कर रहे हैं। कुछ उद्यमी ट्रेडिंग सर्विस और प्लास्टिक उद्योग में निवेश कर रहे हैं। उपायुक्त उद्योग योगेश कुमार के अनुसार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में भाग लेने के लिए मुरादाबाद मंडल के तमाम उद्यमी इच्छुक हैं। लक्ष्य पूरा करने के लिए विभाग की टीमें हर रोज उद्यमियों से संपर्क कर रही है। नए निवेश के आने के बाद विश्व स्तर पर पीतल नगरी का आर्थिक स्तर बढ़ेगा, साथ ही इससे मुरादाबाद में हजारों उद्योग, हॉस्पिटल, अपार्टमेंट और होटल बनेंगे। मुरादाबाद मंडल में हमको 9,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का टारगेट प्राप्त हुआ है, जिसमें अब तक 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव में सहमति प्राप्त हो चुकी है हम लोग को, और हमारी जिले की मंडल की सभी टीमें लगातार इसी काम के लिए प्रयासरत हैं। रेगुलर सुबह से लेकर रात तक इसी काम में भ्रमण कर रही हैं। डेली करीब 400-500 करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं हमारे पास। ऐसा कुछ बड़े लोग जो मुरादाबाद में जो बड़े इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जैसे डिजाइनको का है, आई जनरेशन माल संभल में है, क्राफ्ट केयर ऑर्गेनिक्स है, भोलाराम पेपर मिल्स है, इस तरीके के कई सारे यूनिट हैं जिनका हमारे पास में बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कितना लाभदायक साबित होगा? इससे हमारे इंडस्ट्री में उत्साह जग रहा है, आगे बढ़ने के लिए एक रेस शुरू हो रही है। हमारा जो एक्सपोर्ट का हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एनर्जाइज हो रहा है, उसको ये लग रहा है कि हम दूसरे से आगे निकलें, अन्य जिलों से आगे निकलें, अपने आप में अपनी जो तरक्की है उसको आगे बढ़ाएं, इसके लिए उनमें उत्साह जग रहा है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।